मॉर्निंग में तो बहुत जल्दी उठ गया था, लेकिन उठ के क्या करे, वही बहुत आलसी हो गया अभी घर में रह के, और खाली मोबाइल वगैरह देखता रहता हूँ, क्या करे। अभी भी सोया हुआ हूँ, टाइम दिखा रहा था आप लोगों को, करे हाँ 10:30 हो गया, अभी तक बिस्तर पे हो। कौन इतना देरी तक बिस्तर में रहता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा आलस हो गया अभी घर में रह रह के। निकालने पड़ेगा बहुत जल्दी घर से, नया ट्रिप स्टार्ट होने वाला है, शायद अगला महीने से हो जाएगा, दिसंबर से, और जो भी हो ठीक है। अभी जल्दी से उठ जाता हूँ, और नहीं इतना देरी हो गया, 10:30 बज गया, आप लोग भी सोच रहे होंगे इतना देरी के तक सोते रहता है। और कल मतलब क्या हो गया, मेरा पूरा गला कॉफ बैठ गया था, रात को पूरा मैं डर गया था, मेरा वॉइस पूरा मतलब ब्रेक हो गया था, निकाल ही नहीं रहा था, अजीब मेरा वॉइस चेंज हो गया था। फिर गर्म पानी पिया, वो हनी होता है हनी पिया, वो सब पी के अभी थोड़ा सा ठीक हो गया ठीक है। तो अभी मैं उठ जाता हूँ, उठने का बाद बढ़िया से फ्रेश हो लेता हूँ, उसका बाद पहनता हूँ। गाइस अभी चाय वगैरह पी लिया बढ़िया से, और मैंने ये गले में मफलर है वो पहन के रखा है, क्योंकि ठंडा ना लगे, मतलब अभी भी गला अच्छा से मतलब ठीक नहीं हुआ, जो कॉफ थोड़ा बहुत है अभी भी उसके वजह से। और आज शायद मुझे पोस्ट भी जाने पड़ेगा, जो इंडियन पोस्टल होते हैं वहाँ पे, तो भाई भी जाएगा, भाई का साथ ही मैं चला जाऊँगा। क्या काम है क्या नहीं मैं वहाँ जाके आप लोगों को बढ़िया से बता दूँगा, और यहाँ से बोलने पड़ेगा गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग भाई जी सभी को भी। और अभी भाई जा रहा है क्लास में, भाई का तो रोज़ क्लास रहता है, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा दूर छोड़ देगा। और मतलब अभी हम लोग घर में बैठ बैठ के, स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ, बहुत ज़्यादा आलसी हो चुका हूँ, इसके लिए जल्दी मतलब हम लोग कुछ प्लान सोच रहे हैं निकलने के लिए। हाँ, और वो हम जल्दी लोग बहुत जल्दी निकलेगा, मतलब क्या है हमारा भी घर का थोड़ा परेशानी हो रहा है ना, हाँ इस आप लोगों को इसलिए मालूम ही है, माइंड मतलब काम नहीं कर रहा है किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा, और वही क्लास भी रहता है डेली, इसलिए इसीलिए तो थोड़ा आ जाएगा, बहुत जल्द आएगा लेकिन। बहुत जल्द निकालने वाले हैं। तो वैसे भी बढ़िया से नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, और भाई का फोन आ चुका है, वो कोचिंग सेंटर में रुका हुआ है मेरे लिए, फिर वहाँ से उसका साथ पोस्ट ऑफिस भी जाना है, तो अभी जल्दी जल्दी चलते मिलते हैं भाई का कोचिंग सेंटर में। और अपना भाई भी आ चुका है मुझे लेने, और ये रहा भाई का कॉलेज, NEF लॉ कॉलेज, यही कॉलेज से भाई ने पास आउट किया ना LLB। ओके, तो अभी चलते हैं बढ़िया से, मिलते हैं पोस्ट ऑफिस में। और आज काफ़ी मतलब बहुत धूप दिया हुआ है, गर्म बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो नहा के आगे ऊपर टेंशन नहीं है, लेकिन धूप बहुत ही ज़्यादा धूप है अभी। और ऐसा कुछ रास्ता है यहाँ का, सकते हैं, और सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है पोस्ट ऑफिस, बस रास्ता GS रोड क्रॉस करते मिल जाएगा हम लोगों को, हम लोग बाइक इस तरह भी रख के जाएगा। और भाई का कोचिंग सेंटर में दिखा देता हूँ आप लोगों को, पहले भी दिखाया था सर, ये रहा जो विनायक अकेडमी लिखा हुआ है, हाँ ये वाला है, ये रूम 51 हाउस नंबर, मैं बाद में अच्छा से अंदर का जो मतलब कैसा क्लासरूम है क्या क्या होता है वो अंदर से अच्छा से आप लोगों को बता दूँगा, अभी पहले चल लेते हैं। अभी बाइक यहाँ में पार्क कर दिया, और अभी हम लोग को रास्ता क्रॉस करके उस तरफ जाना है, वो वाला जो गली एक है वहाँ से जाना है, फिर पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। और ये रहा अपना GS रोड, पहले रास्ता क्रॉस कर लेता हूँ, वहाँ से रास्ता क्रॉस करने का जगह है, वहाँ से कर लेता हूँ। तो गाइस यही अलग गली है अमरावती पार्ट, यहाँ से हम लोग को जाना होगा अभी, और यहाँ से शायद अंधेरा आ रहा होगा, मतलब अभी क्यों जा रहा है मैं बोल देता हूँ, मेरा जो गूगल मतलब गूगल एक्सचेंज का पिन होता है वो अभी तक आया नहीं, मतलब घर का एड्रेस दिया हुआ है घर में अभी तक आया नहीं, उसके वजह से अभी पोस्ट ऑफिस में जाके खबर लेता हूँ आया कि नहीं। और कल मतलब रात को मुझे एक मेल भी आया था ना भाई, हाँ तो शायद यहाँ मिल भी सकता है, इसीलिए अभी जाके पूछता हूँ आया कि नहीं, और काफ़ी दिन हो चुका है, लगभग एक महीना होने वाला है, इसीलिए तो ठीक है अभी चलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं, मिलता है कि नहीं। तो गाइस ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को पीला कलर में, ये पोस्ट ऑफिस, मैं अभी अंदर जाके देखता हूँ, भाई भी रुका हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है इंडियन पोस्ट दिसपुर, अभी अंदर जाके देखता हूँ क्या हुआ क्या नहीं आया क्या नहीं। वैसे ये जो रास्ता है ना बहुत ही मतलब इसका काम चल रहा है, देख सकते हैं बीच बीच इतना ज़्यादा धूल उड़ता है ना, उसका वजह से पूरा हालत ख़राब हो चुका है,
और अभी हम लोग पोस्ट ऑफिस से आया और मतलब बाहर बहुत ज़्यादा धूप था ना, इसके वजह से कुछ नहीं बोल पाया। डायरेक्ट आया भाई का कोचिंग सेंटर में, अभी अंदर चलते, अंदर जाके क्या हुआ क्या नहीं बढ़िया से पता था। चलिए, और अभी भाई ताला खोल रहा है सेंटर का। मैं भी बहुत दिन आया नहीं था, अभी हालत देखता हूँ कैसा करके रखा है भाई ने। पर्दे हटा दो, ओहो वाओ, बहुत ही बढ़िया भाई, गुड। यहाँ पे स्टूडेंट वगैरह बैठा है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और वहाँ पे कौन बैठा है? वो टीचर लोग बैठा है। अरे अच्छा, वो अंदर भी है क्या? अंदर भी है। अच्छा दिखाओ अंदर का। ओ अच्छा, ये भाई का केबिन है। ओके, अरे मालूम है ना, सबका नहीं है, भाई का केबिन है। वाह, बोरिया से डेकोरेट किया हुआ है, अच्छा लगा भाई आके। सही में मैं भी यहाँ बैठ के एक बार फील लेता हूँ कैसा लगता है कैसा नहीं। बढ़िया, सही में मस्त लगा। बुक्स वगैरह पूरी यहाँ पे रख दिया भाई ने, प्रिंटर वगैरह। ये क्या पीसी है क्या? हाँ ओके, मतलब ऐसे रखा है। ठीक है ठीक है, बढ़िया है, अच्छा है। और यहाँ में भी जियो फाइबर लगा दिया भाई ने, यहाँ में भी टेंशन नहीं है नेट का। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बता दूँ पोस्ट ऑफिस का अंदर क्या हुआ। जैसे हम लोग अंदर घुसा, मतलब वहाँ पे जो पोस्टमैन होता है वो तो था नहीं, क्योंकि उसका काम होता है पोस्ट डिलीवर करने के लिए, वो तो चला गया था डिलीवर करने। फिर वहाँ पे एक आदमी मिला हम लोगों को, फिर उस आदमी से मतलब हम लोग का एरिया में जो पोस्ट कर रहे हैं उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया। कॉन्टैक्ट नंबर लेके उससे बात किया, बात करने का बहुत टाइम बात किया उससे। जैसे जैसा मेरा देखो मेरा नाम से कोई वो गूगल से कुछ एक्शन वगैरह कुछ आया क्या, तो उन्होंने बोला अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं आया, जैसे आएगा मुझे कॉन्टैक्ट करेगा। और उन्होंने बोला जो मतलब उसमें तो एड्रेस रहता है, लेकिन उसमें एड्रेस लिखा हुआ नहीं रहता है, ओनली खाली नंबर रहता है, फ़ोन नंबर। और जैसे मतलब आ जाएगा मुझे मतलब फ़ोन करके बोल देगा, ऐसा बोला, बस इतना ही था। तो ठीक है गाइस, अभी हम लोग चलते हैं घर में, खाना वाना खा लेते हैं बढ़िया से, हमारा पसंद को तो यहाँ आ चुका है अपना लंच, बढ़िया सा लंच अभी खा लेते। भाई भी खा रहा है, मैं भी खा लेता हूँ। ये तो वो है बनाना का, आप लोगों को क्या है कौन सा जो पेड़ दिखाया था ना? हाँ, उसी का है। जो मैंने आप लोगों को केले का पेड़ दिखाया था वो केला है, इसको फ्राई करके हम लोग इसे खाते हैं। दाल है और ये वो क्या है इसको बंधा गोभी, फिर हाँ सब मिक्स करके फ्राई है, इसमें सलाद दिया हुआ है, बस अभी बड़े से खा लेते। हाँ भाई कुछ बोल रहा था, हम लोग बाइक धोने जाएगा, हम लोग को थोड़ा निकलना है। अच्छा अच्छा ठीक है। और अभी भाई का बाइक पूरा चमक गया, देख सकते हैं, वाह बहुत ही बढ़िया से धो दिया। थैंक यू भाई जी, थैंक यू इतना बढ़िया से धोने के लिए, बहुत ही गंदा हो गया था बाइक। अभी भाई से पूछता हूँ कितना दिन भाई धोया नहीं था बाइक को, कितना दिन नहीं धोया भाई? हो गया 3 महीना हो गया। 3 महीना नहीं धोया, मतलब क्या है घर पे थोड़ा थोड़ा ऐसे साफ कर देता हूँ। अच्छा, पर क्या है ना ये मशीन वाला अच्छा है। ओके ओके, पूरा कचरा जितना कचरा साफ कर देता है।